आईपीएल 2024 का शेड्यूल आ चुका है। शेड्यूल आ चुका है, सीएसके वर्सेस आरसीबी का मुकाबला है, सीएसके वर्सेस आरसीबी। आप ये डेट लिख लीजिए, 22 मार्च को पहला मुकाबला खेला जाएगा आईपीएल 2024 का, जो कि चेन्नई के मैदान में होगा। यानी आप सोच लीजिए, पहले दिन से ही परीक्षा होने वाली है आरसीबी की, क्योंकि देखिए स्पिनर तो कुछ है नहीं, स्पिनर तो कोई है ही नहीं आरसीबी में। करण शर्मा सबसे मेन स्पिनर है, लेकिन क्या आरसीबी कुछ करेगी इस साल, ये देखना पड़ेगा। हालांकि हर साल हम ये कहते आए, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है, बॉलिंग जिस तरह की बॉलिंग है आरसीबी की, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये तो बस जो फैंस हैं वो आस लगाई बैठते हैं कि क्या कुछ हो जाएगा, आरसीबी क्या जीत सकती है। लेकिन देखिए, आप अगर थोड़ा सा फेल होके सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आप ये कहेंगे कि आरसीबी के पास कोई चांस नहीं है इस बार भी। जैसे पिछली बार होता आया है कि प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं, उसके प्लेऑफ में एलिमिनेटर में निकल जाते हैं या फिर क्वालिफाई टू में निकल जाते हैं, ऐसे ही इस साल भी होने वाला है। और इस साल तो ऐसा लग रहा है कि शायद प्लेऑफ में भी ना पहुंचे। तो ये अभी तक ये दर्शाता है कि आरसीबी की जो बॉलिंग आप है उससे देखते हुए तो लग रहा है सबको कि भाई कोई चांस नहीं है टॉप फोर पहुंचने का। लेकिन देखिए, पहला मुकाबला सीएसके आरसीबी का, दूसरा मुकाबला किसका है, दूसरा मुकाबला है दिल्ली वर्सेस पंजाब। तो ये बड़ा मुकाबला है, 3:30 बजे खेला जाएगा सैटरडे को। और देखिए, ये जो अभी शेड्यूल आ चुका है, ये आ जाएगा 21 मैचों का आया है, 17 दिन 21 मैचेस खेले जाएंगे इसमें। और दिल्ली का जो होम ग्राउंड रहेगा वो वाइजैक रहेगा, वो दिल्ली नहीं रहेगा, नई दिल्ली में मुकाबले नहीं होंगे फर्स्ट चरण के। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हो रहा है, वो जो दूसरा लेग होगा उसका, वो जो होगा वो दिल्ली में होगा। यानी आप सोच, 17 मार्च को जो लास्ट फाइनल होगा WPL का, वो नई दिल्ली में है। तो इसलिए नई दिल्ली की जो पिच है वो तैयार हो नहीं पाएगी इतनी जल्दी, इस वजह से यहाँ पे मुकाबले जो है दिल्ली की जगह पे वाइजैक शिफ्ट कर दिए गए हैं, दिल्ली का जो होम ग्राउंड है दूसरा मैं कह सकता हूँ। उसके बाद और क्या अपडेट्स हैं, और अपडेट्स यही हैं, बाकी आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।